नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल से। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने की सर्वदलीय बैठक, कल फिर बैठेगी कार्य मंत्रणा समिति। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित किए गए विभिन्न प्रस्ताव। राज्य प्रभारी श्याम जाजू बोले, अनुशासन को लेकर सख्त है पार्टी। पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। उत्तराखंड के लिए मंजूर हुआ कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र। 28 जून को देहरादून के कुआंवाला में मुख्यमंत्री करेंगे देश के इस पांचवें केंद्र का शिलान्यास। कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बोले, उत्तराखंड के साथ ही आसपास के राज्य भी होंगे लाभान्वित। और नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर सरकार ले रही है आम लोगों के सुझाव। देहरादून में शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने की चर्चा। 30 तक भेजेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाव। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल से आरंभ हो रहा है। सत्र को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री रहे स्वर्गीय प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र को सुचारू ढंग से चलाने में पक्ष विपक्ष के सहयोग की अपेक्षा के साथ आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सर्वदलीय बैठक आहूत की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि सदन को पूरी शालीनता के साथ चलाने में विपक्ष का सहयोग मिलेगा। कार्यकारी संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जनहित के विषयों पर सदन के अंदर सहयोगात्मक विचार विमर्श किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बैठक में कहा कि प्रदेश हित के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाता है तो प्रतिपक्ष की ओर से पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष जन समस्याओं को लेकर जो प्रश्न उठाएगा सरकार उनके जवाब देगी। से मैंने सभी दलों से अपेक्षा की है कि हमारा सदन जो कल आहूत हो रहा है वो ठीक ठाक चले। नेता प्रतिपक्ष जी ने भी भरोसा दिया है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सदन ठीक ठाक चले उसके बारे में अपना सकारात्मक अपनी टिप्पणी की है। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति के लिए हम लोग बैठे। विपक्ष अपने सवाल उठाएंगे, जन समस्याओं को उठाएंगे। उनसे हमने अपील किया है कि आप सत्र चलाने में सहयोग करें। विपक्ष ने हमको आश्वस्त किया है कि वो सत्र चलाने में सहयोग करेंगे और विपक्ष जिस तरह के भी प्रश्न उठाएंगे उनका जवाब सरकार देगी। निश्चित रूप से जनहित से जुड़े हुए सवाल होते हैं और उससे जनता का जुड़ा हुआ होता है। उत्तराखंड विधानसभा के कल 24 जून से आरंभ हो रहे सत्र के सिलसिले में आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें तय किया गया कि संसदीय कार्य मंत्री रहे दिवंगत प्रकाश पंत को सत्र के पहले दिन सोमवार को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 25 जून को होने वाले विधायी कार्यों के लिए 24 जून को दोबारा कार्य समिति की बैठक करके एजेंडा तय किया जाएगा। विधान भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, कार्यकारी संसदीय और कार्य मंत्री मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रीतम सिंह आदि मौजूद रहे। कार्य मंत्रणा समिति की संपन्न हुई। इसमें हमारे विपक्ष के मित्रों के दो इशू आए हैं। एक इशू उनका कहा कि हाउस को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाए अथवा श्रद्धांजलि पूरी करके फिर हाउस को समाप्त कर दिया जाए, और दूसरा विषय था कि सरकार के पास कोई विधेयक पेंडिंग नहीं है तो तब ये तय हुआ है कि कल का हाउस हम लोग चला रहे हैं और कल पुनः कोई बिजनेस यदि इस रूप में आता है तो कार्य मंत्रणा पुनः करेंगे। फिलहाल कल तक का हमारा बिजनेस वो तय हुआ है कि कल स्वर्गीय प्रकाश पंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित। वहीं कल से आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि महज दो दिन का सत्र सरकार ने खानापूर्ति के लिए ही आहूत किया है क्योंकि 6 माह के भीतर सत्र बुलाने की बाध्यता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि सरकार के मंत्री सदन में जवाब देने से बचना चाहते हैं। दो दिन का सत्र आहूत किया गया है उससे ये लग रहा है कि सरकार प्रदेश के
कामकाज में कोई रुचि नहीं रख रही है, उसके बाद कोई काम ही नहीं है जिसमें जिसको सदन में ला सके, इसलिए सदन केवल दो दिन का रखा गया है और ये संवैधानिक खानापूर्ति के लिए रखा गया क्योंकि 6 महीने पूरे हो रहे थे और इसलिए सदन बुलाया गया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज किया है। उनका कहना है वे अभी पाइपलाइन में हैं, लिहाजा सदन को अनावश्यक नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बात विपक्ष भी जानता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष का सहयोग मिलने की उम्मीद भी जताई। कोई बिजनेस इस समय नहीं है, जो विधेयक हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो कैबिनेट में आएंगे और उसके बाद ही वो विधानसभा के पटल पर आ सकते हैं। सारी तकनीकी चीज़ें विपक्ष के हमारे अनुभवी साथी सब कुछ जानते हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं बाहर वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो पूरा साथ सरकार को सदन चलाने में करेंगे। ऋषिकेश में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन आज विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में पारित प्रस्ताव में हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी गई। साथ ही उत्तराखंड में पार्टी का मत प्रतिशत 60% से अधिक पहुंचने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश नेतृत्व को बधाई दी गई। भाजपा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने बताया कि बैठक में पार्टी ने संगठन के विस्तार और मिशन 2022 पर खासतौर से रणनीति बनाई। 6 जुलाई से प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा जिसमें 3 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन को लेकर काफी सख्त रुख अपना रही है और 2 मामलों में संबंधित को नोटिस भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में होने जा रहे पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। पार्टी बहुत बड़ी हो गई, बहुत नए नए लोग आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते, ये मैसेज हमने आज दिया है। हमारे एक विधायक चैंपियन, उनका हमने कल ही निष्कासन किया था, 3 महीने का उनको नोटिस दिया है, उनका जवाब हम मांग रहे हैं। वैसे ही यहाँ के भी जो राज्य मंत्री का पद जिनको हमने दिया है, भगत राम कोठारी जी, उनका भी सार्वजनिक रूप पर जिस प्रकार के उन्होंने स्पीकर का अपमान किया है, उनको भी हमने नोटिस दिया है और उनको भी 3 महीने का नोटिस दिया है। ऐसी सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी सख्त रहती है, हम कॉम्प्रोमाइज अनुशासन से नहीं करते। उत्तराखंड में कोस्ट गार्ड का भर्ती केंद्र खोला जाएगा। ये देश में कोस्ट गार्ड का 5वां भर्ती सेंटर होगा। देहरादून के कुआंवाला में स्थापित किए जा रहे कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र का शिलान्यास 28 जून को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। आज सीएम आवास में कोस्ट गार्ड के महानिदेशक राजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड में कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र खोले जाने संबंधी केंद्र सरकार का अनुमति पत्र सौंपा। श्री सिंह ने बताया कि देहरादून में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर की भूमि के लिए 17 करोड़ रुपए और भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। भर्ती केंद्र का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। नोएडा, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बाद यह 5वां कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र होगा। कोस्ट गार्ड महानिदेशक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम के रूप में विकसित करने की बात कही है। ये कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र उसी के अनुरूप उत्तराखंड के जवानों को समर्पित होगा। देहरादून में स्थापित किए जा रहे केंद्र का लाभ उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के युवाओं को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि 1.5 साल में यह भर्ती केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड में भर्ती सेंटर खुलने से यहां के युवाओं को कोस्ट गार्ड में रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। कोस्ट गार्ड SDRF और युवाओं को आपदा से निपटने का प्रशिक्षण भी देगा। लगभग 1.5 साल पहले जो रविवार कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि रविवार का आफ्टर इफेक्ट है ये कोस्ट गार्ड का, जो रिक्रूटिंग सेंटर देहरादून में आपने स्वीकृत किया है, जिससे हमारे युवा जो कोस्ट गार्ड में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं उनका एक अवसर मिलेगा और दीर्घकाल तक मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा। ये एक स्थायी व्यवस्था है कार्यालय की देहरादून में, और इससे हमारे जो नौजवान हैं उन पर तो रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पर जो लोग जो SDRF है हमारी, और उनको प्रशिक्षण का भी काम कोस्ट गार्ड के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड
ये बड़ा सेंसिटिव है आपदा की दृष्टि से, तो उससे हमारे जहां हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, एसटीआरएफ कर्मी हैं, वो उनको अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर सरकार की ओर से शिक्षा जगत के साथ ही आम लोगों को की भी राय ली जा रही है। इसका मकसद नीति को बेहतर बनाना है। इस संबंध में सुझाव जानने के लिए 30 जून तक का समय तय किया गया है। राजकीय शिक्षक संघ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आज नई शिक्षा नीति के प्रारूप पर चर्चा के लिए गोष्ठी आयोजित की गई। देहरादून में आयोजित इस विमर्श में शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने नई नीति के प्रारूप की सराहना की, साथ ही कहा कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो सके और बच्चे इन स्कूलों को न छोड़े। प्री स्कूल जो मेन स्ट्रीम से अलग होना चाहिए और आरटी जैसे चल रहा है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 6 साल से 14, वो सही है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए जो सरकारी स्कूल से बच्चे ना निकले, ये बहुत ज़रूरी है। और अदरवाइज़ दी आइडिया इज़ वेरी गुड, ये तो मतलब एक नया प्लान है, नया दिशा है, तो इस पर अगर हम चलेंगे तो ज़रूर एजुकेशन इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। और ये अच्छी बात है कि इस तरह डिस्कशन हो रहा है। नवीन शिक्षा नीति 2019 का जो प्रारूप हमारे सामने आया है, हमें चार्टी में रखा है, पूरे देश में इस पर चर्चा चल रही है और हम एक अकादमिक संस्थान से हैं तो हमने कोशिश की है कि इसको हम और आम जनमानस तक पहुँचाते हैं और इसके प्रावधानों को हम लोगों के साथ साझा करना चाहते थे, जिस उद्देश्य से हमने आज एक ही विमर्श कार्यक्रम रखा। हमें उम्मीद है कि लोग इसको समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने सुझाव अपने शब्दों में वो हम तक भी अगर भेजते हैं, हम अपना ईमेल आईडी लोगों तक दे रहे हैं और उनके जो भी सुझाव आएंगे फिर हम 28 तारीख को हम फिर बैठेंगे। 27 तारीख तक हम लोगों से ये मांग रहे हैं अपने स्तर से, MHRD ने तो 30 जून तक मांगा ही मांगा है, लेकिन जो हम इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें सुझाव आएंगे उसके बाद हम उसको सही रूप दे करके MHRD को भेजेंगे। उत्तराखंड के निजी दौरे पर आए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। राजधानी देहरादून स्थित सीएम आवास में श्री डोभाल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड का गौरव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री डोभाल के साथ ही देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर हमारे प्रदेश के लोग कार्यरत हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं दो देशों से जुड़ी हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से सीमांत क्षेत्रों के विकास में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि है। श्री डोभाल ने प्रदेश के विकास में हर संभव सहयोग का मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि मजबूत और संगठित भारत के लिए डॉक्टर मुखर्जी की सशक्त भावना हम सभी को प्रेरणा देती है और ये 130 करोड़ भारतवासियों को शक्ति भी प्रदान करती है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री नड्डा ने राजधानी दिल्ली में शहीदी पार्क जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर मुखर्जी के बताए रास्ते और आदर्शों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बीच प्रदेश में भी डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केदारनाथ धाम में चौराबाड़ी ग्लेशियर की झील को लेकर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने DDRF की एक टीम को चौराबाड़ी भेजा। DDRF टीम ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि ग्लेशियर में कोई झील नहीं है। टीम ने ग्लेशियर की तस्वीरें भी भेजी हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि तस्वीरों से स्पष्ट है कि चौराबाड़ी में कोई झील नहीं है। हालांकि ग्लेशियर की तलहटी पर झील हो सकती है, जिसके सर्वे के लिए जल्द ही वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम पहुँचेगी। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल से। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने की सर्वदलीय बैठक, कल फिर बैठेगी कार्य मंत्रणा समिति।
भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित किए गए विभिन्न प्रस्ताव, राज्य प्रभारी श्याम जाजू बोले अनुशासन को लेकर सख्त है पार्टी, पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। उत्तराखंड के लिए मंजूर हुआ कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र, 28 जून को देहरादून के कुआंवाला में मुख्यमंत्री करेंगे देश के इस पांचवें केंद्र का शिलान्यास, कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बोले उत्तराखंड के साथ ही आसपास के राज्य भी होंगे लाभान्वित। और नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर सरकार ले रही है आम लोगों के सुझाव, देहरादून में शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने की चर्चा, 30 तक भेजेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाव। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।